more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी और उनकी बेटी ऐशा देओल की। जी हाँ, हेमा को कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम रटा हुआ है। अपनी बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने सबका दिल जीता, लेकिन उनकी बेटी का जादू कुछ खास नहीं चला। जी हाँ, ऐशा बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि उनकी कुछ मूवीज जरूर आई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन इन दोनों के बारे में जो खबर अब हम आपको बताएंगे, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल वाकया ही कुछ ऐसा है। हाल ही में लैक्मे फैशन वीक का एक इवेंट था, जिसमें हेमा मालिनी और ऐशा देओल ने शिरकत की। इसमें दोनों को रैंप वॉक भी करना था। इस इवेंट में इंटरव्यू के दौरान हेमा और ऐशा की इंसल्ट हो गई। दरअसल हेमा ऐशा के करियर के बारे में बातें करने लगी। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उन्होंने ऐशा से भी ऐसा ही करने को कहा और बोला कि सबको अपने करियर के बारे में बताओ। ये सुनते ही एक रिपोर्टर ने बीच में इंटरप्ट कर दिया और कहा कि इस इंटरव्यू के दौरान हम सिर्फ लैक्मे फैशन वीक के बारे में ही बात करेंगे। ये सुनकर ऐशा आग बबूला हो गई और फिर क्या था, वो स्टेज छोड़कर चली गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड से रिलेटेड तमाम चटपटी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से स्वातिक रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।